देश हित में हर वो खबर हम लेकर आए हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका हित जुड़ा हुआ है, इस देश का हित जुड़ा हुआ है। हम पांच बड़े सवाल भी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देश हित 2020 देखना यानी 20 बड़ी खबरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में किसानों ने अपना आंदोलन लिया वापस, सरकार ने मांगों को पूरा करने का दिया भरोसा। आंदोलन वापस लेने से पहले किसान और सरकार के बीच हुई बैठक, सरकार ने बनाई 6 मंत्रियों की कमेटी। पीएम मोदी ने दी काशी को 800 करोड़ की सौगात, मन से की सीएम योगी के काम की तारीफ। पीएम ने काशी पटना के बीच ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, मिर्जापुर में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पीएम मोदी ने कराए काशी के दर्शन, 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नाव की सवारी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में 600 एकड़ की जमीन अधिग्रहण को रद्द किया, पूर्व सीएम हुड्डा ने किया था मानेसर में अधिग्रहण का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हुड्डा सरकार के फैसले को बताया सत्ता का दुरुपयोग, अधिग्रहण की गई जमीन हुड्डा और HSIDC को वापस दी। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा ने वित्त मंत्री हसीब द्राबू को कैबिनेट से बाहर किया, राज्यपाल ने दी मंजूरी। बर्खास्त मंत्री के बयान से नाराज थी महबूबा, द्राबू ने कहा था कश्मीर राजनीतिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ, हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार 78 में से 17 यात्रियों को बचाया गया, विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। सुषमा स्वराज ने नरेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है, लेकिन जया बच्चन पर बयान को बताया गलत। नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, SP यानी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से हुए थे नाराज। राज्यसभा की 58 सीटों पर चुनाव के लिए वित्त मंत्री जेटली समेत कई नेताओं ने भरा नामांकन, 23 मार्च को है चुनाव। अप्रैल में चीन के दौरे पर जाएंगी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन दौरे का एजेंडा बताने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन चल रहा है, अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। SSC पेपर लीक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग, याचिकाकर्ता ML शर्मा ने परीक्षा सिस्टम में सुधार की भी मांग। तमिलनाडु के थेनी जिले में जंगल में आग से 10 लोगों की मौत हो गई है, सीएम ने किया मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, राज्यपाल का अभिभाषण फाड़कर फेंका।